का जो कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील जी नमस्ते, बताइए सर। नमस्कार जी, मेरा सवाल सोना कॉम पर है। ये 626 का हाई बना करके 488 का लो बनाया, और 488 का लो का कोई औचित्य नहीं समझ में आता था, बस अचानक में एक स्विंग लो बना करके अब ये 580-590 के आसपास खेल रहा है। इसमें एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है क्या, जिसका टारगेट करीब 711 रुपए तक आता है? ओके, तो आपका सवाल क्या है, केवल वो जानना है क्या कि कौन सा पैटर्न? क्या मेरा कैलकुलेशन सही है, मेरा टेक्निकल एनालिसिस सही है इस मामले में? सर्वेन जी, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है क्या, 711 का लक्ष्य आने की संभावना है क्या? देखिए, अब टेक्निकल सेटअप के लिए तो उनको एक टेक्निकल गुरुकुल या कुछ एक सेटअप इनको ज्वाइन करना पड़ेगा। पैटर्न देखिए, अभी अपने नजर से देख रहे हैं, पैटर्न का नजरिया अपना अलग अलग होता है। हम जब करते हैं, जिस तरह से हम देखते हैं उस तरह से, तो ये पैटर्न मुझे उतना क्लियर नहीं समझ में आ रहा है। मे बी एक रुझान, एक उसका एक फ्लेवर बन रहा है, बट मेरे हिसाब से वो पैटर्न उतना क्लासिक है नहीं जितना ये समझ रहे हैं। बट मैंने वही बोला कि स्टॉक्स अपने टारगेट या अपने सेटअप्स करते रहते हैं, तो उस बेसिस पर अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड यहाँ पे भी अब चल रहा है, और एक शार्प सेल ऑफ जो हुआ था उसको उसने पचा लिया 500 के आसपास, और एक बढ़िया पुल बैक यहाँ से बना है। तो फिलहाल इसी समीकरण में सोचेंगे जो करंट इसका जो मूव चल रहा है, तो मेरे हिसाब से 550-560 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स हैं, और किसी कारणवश जब ये 600 के ऊपर क्लोजिंग ओनली बेसिस पे ब्रेकआउट कर लेगा राउंड फिगर के ऊपर, तो और नए रिवॉर्ड और नए रुझान यहाँ पे निकलेंगे और ऊपर के टारगेट्स डेफिनेटली यहाँ आ सकते हैं, बट इसको 550 होल्ड करना जरूरी है। 711 टारगेट दिखता आपको कभी 4-6 महीने साल भर में? देखिए, 800 से गिरा है, विद इन द रेंज है, मतलब जो चीज 800 पहले करके आई हुई है, तो ये तो डेफिनेटली इसके इसके सिलेबस के अंदर की चीज है, उन लेवल्स पे जाके आया हुआ है, तो व्हाई नॉट 6-9 महीने में अगर आप देखें तो वो टारगेट्स आ सकते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसमें कैसे कैसे पैटर्न बन रहे हैं उस पर नजर रखिएगा, लेकिन 540-550 के आसपास जरूर डर रखिएगा। अगला सवाल है सूर्य नारायण जी।